Good morning, students, and welcome back again to video lectures. हमने पिछले वीडियो में यूश आपका एक ग्रामर का टॉपिक शुरू किया था, जिसका टाइटल था विभक्ति रूपाणी और उसका सब टाइटल था युष्मद विभक्ति रूपाणी, यानी कि युष्मद के रूप। आप ऑलरेडी, मैंने उस वीडियो में भी कहा था और फॉर्म फाइव में भी आपने सीखा है कि विभक्ति किसे कहते हैं। जो किसी अगर वर्ब में एक्शन होती है तो हम उसे एक्शन वर्ब कहते हैं, जैसे कि टू रीड, दैट इज ओनली वर्ब, बट उसमें अगर आईएनजी जोड़ दिया जाए तो रीडिंग होगा, तो वो एक्शन वर्ब हो जाएगा। वैसे ही अगर सिर्फ बालक है तो वो सिर्फ वर्ड है, बट उसमें बालक में अह जोड़ दिया जाए तो बालक होगा, तो वो क्या हो गया, एक्शन वर्ड। तो ये जो एक्शन वर्ड होते हैं वही विभक्ति रूप कहलाते हैं। टोटल 7 विभक्तियां होती है और 8वां संबोधन होता है, जो कि अष्टमी विभक्ति नहीं कहा जाता, बट टोटल एक ही शब्द के 24 प्रकार के जो रूप होते हैं उसे विभक्ति रूप कहते हैं। वो आपने अच्छी तरह से फॉर्म 5 में भी समझ लिया था और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था। और जो पिछला वीडियो हमारा था वो युष्मद शब्द के विभक्ति रूप थे, जैसे कि त्वम, युवम, युयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, त्वयि, युवयोः, युष्माकम्, आई मीन तव, युवयोः, युष्माकम् एंड त्वयि, युवयोः, युष्मासु। तो ये आपका युष्मद शब्द के विभक्ति के रूप थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो अस्मद शब्द के विभक्ति के रूप है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, अभी एक बार और समझा देता हूँ कि हम किसी व्यक्ति का अगर नाम लेते हैं तो वो नाउन कहलाता है। जैसे बालक है वो नाउन है, तो वो अकारांत पुल्लिंग विभक्ति के रूप कहा जाएगा, क्योंकि वो नाउन है। अगर लता है तो वो आकारांत स्त्रीलिंग विभक्ति रूप कहलाएगा, क्योंकि लता एक नाउन है, नाम है। फल भी एक नाउन है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जो भी कुछ शब्द होते हैं, अगर उनके कोई पर्टिकुलर नाउन है, नाम है, तो वो सब जो विभक्ति के रूप होंगे वो नाम रूप होंगे। बट ये जो युष्मद हमने पिछले वीडियो में पढ़ा और आज जो हम पढ़ रहे हैं और आगे भी जो हम 3 टेबल और पढ़ने वाले हैं, वो सब प्रोनाउन के विभक्ति के रूप है, यानी कि सर्वनाम के विभक्ति के रूप है। आपको पता है कि नाउन यानि नाम और प्रोनाउन यानि कि सर्वनाम, ठीक है। तो जैसे कि ही, शी, इट है, वो भी प्रोनाउन होता है, क्योंकि वो हम नाम की जगह यूज़ करते हैं। हम किसी को कहते हैं कि भाई राम इज अ ग्रेट आर्चरर, तो राम एक नाउन है, इसलिए वो, या तो हम राम नहीं बोले तो ही वॉज अ ग्रेट आर्चरर, तो वो भी एक प्रोनाउन हो गया ना। तो बालक के जैसे राम का टेबल हम बना सकते हैं, क्योंकि बालक भी अकारांत पुल्लिंग है और राम भी अकारांत पुल्लिंग है। बट ही अगर हम यूज करते हैं राम की जगह, तो उसका अलग से टेबल है, जो कि हम तत् के विभक्ति के रूप जब सीखेंगे तब आएगा। वो जो ही, शी, इट है, उसे तत् पुल्लिंग, तत् स्त्रीलिंग और तत् नपुंसकलिंग के रूप कहते हैं। सिमिलरली जैसे ही, शी, इट प्रोनाउन है, वैसे यू एंड आई भी प्रोनाउन है, क्योंकि जब हम किसी को यू कहकर एड्रेस करते हैं कि भाई यू आर अ गुड बॉय, तो हम ऐसा नहीं बोलते कि यू योगेश आर अ गुड बॉय, हम सिर्फ यू आर अ गुड बॉय कहते हैं। इसलिए हम वहाँ नाम यूज नहीं करते, प्रोनाउन यूज करते हैं। और आई भी प्रोनाउन होता है, वी भी प्रोनाउन होता है, तो वी का टेबल अलग से नहीं आता, क्योंकि वो आई में ही आ जाता है बहुवचन में। तो चलिए, आइए, इतना जानने के बाद हम आज का हमारा टेबल शुरू करते हैं, जो कि है
अस्मद, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो मैंने टाइटल लिखा है अस्मद, आपको भली भांति पता है कि मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से सभी विभक्तियों का मीनिंग एक्सप्लेन किया था, अभी भी कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ बता रहा हूँ। तो अस्मद शब्द, अस्मद यानी कि आई, और जो पिछला हमने पढ़ा था वो था युष्मद यानी कि यू। मैंने आपको बोला था कि कोई भी विभक्ति हो उसमें सात विभक्तियां होती है, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन प्रकार के उसके वचन होते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। अस्मद की प्रथमा विभक्ति होती है अहम, आवाम, वयम। मैंने आपको बोला था प्रथमा यानी कि सिर्फ जो सब्जेक्ट होता है वो, तो अहम यानी कि मैं, आवाम यानी कि हम दोनों, और वयम यानी कि हम सब। देन द्वितीया माम, आवाम, अस्मान। द्वितीया का मीनिंग होता है टू, टी ओ टू, यानी कि हिंदी में उसे कहेंगे को। माम यानी कि मुझको, आवाम यानी हम दोनों को, और अस्मान यानी हम सबको। बहुत ही इजी है, एक बार आपको विभक्ति का मीनिंग पता चल जाए तो आप इन तीनों का मीनिंग आसानी से निकाल सकते हो। तृतीया का मीनिंग होता है बाई, बी वाई, हिंदी में उसे कहेंगे से या तो के द्वारा। तो मया यानी मुझसे या तो मुझ मेरे द्वारा। फिर आवाभ्याम यानी कि हम दोनों से या तो हम दोनों के द्वारा। और अस्माभिः यानी कि हम सब से या तो हम सब के द्वारा। फॉर एग्जांपल अभी कोरोना का जो टाइम चल रहा है उसमें हम बार बार भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से ये महामारी दूर हो जाए, तो तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अस्माभिः यानी कि हम सब के द्वारा भगवान की प्रार्थना की जाती है, राइट। फिर मह्यम, चतुर्थी का मीनिंग एक वचन होता है मह्यम। देखिए आप देख सकते हैं म, फिर बड़ा ह है, उसके अंदर छोटा य है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है। म, ह, उसके अंदर छोटा य और म, इसको बोलेंगे मह्यम। चतुर्थी का मीनिंग होता है के लिए, तो मह्यम यानी मेरे लिए। जब आप अपने दोस्त के साथ बात करते हो तब अगर आपके पापा आपके लिए कुछ लाए हैं तो आप क्या बोलेंगे, मेरे पापा मेरे लिए चॉकलेट लाए, तो मह्यम यानी कि मेरे लिए। आवाभ्याम यानी कि हम दोनों के लिए, और अस्मभ्यम यानी कि हम सब के लिए। जैसे कि अभी हम कह सकते हैं कि हम सब के लिए अभी जरूरी है कि हम सुरक्षित रहे, तो अस्मभ्यम। पंचमी का मीनिंग होता है फ्रॉम, मत यानी कि फ्रॉम मी, मुझसे। आवाभ्याम हम दोनों से, और अस्मत हम सब से। षष्ठी का मीनिंग होता है ओह यानी कि रा रेरी, मम मेरा, मेरी, मेरे। जैसे कि आप अपना नाम जब बोलते हो तो तब शुरुआत में क्या बोलते हो, मेरा नाम योगेश है, तो मम नाम योगेश अस्ति। अब आप अपना बोल सकते हो, अगर आपका नाम राहुल है तो आप यहां बोलोगे मम नाम राहुल अस्ति। फिर आवयो हो यानी कि हम दोनों का, या तो हम दोनों की, या तो हम दोनों के। और अस्माकम यानी कि हम सबका, इन शॉर्ट हमारा। जैसे कि अभी हम बोल सकते हैं कि हमारा परम कर्तव्य है कि हम सब घर में रहे,
तो अस्माकं परमं कर्तव्यं अस्ति, तो हमारा अस्माकं। फिर सप्तमी मई यानी कि मुझ में, सप्तमी का मीनिंग होता है मैं या तो पर, तो मई यानी कि मुझ में या तो मुझ पर। आवयो हो हम दोनों में या तो हम दोनों पर, और अस्मासु यानी कि हम सब में या तो हम सब पर। ठीक है, तो इस प्रकार आपका अस्मद का पूरा टेबल ये मैंने आपको समझाया। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अहम आवाम वयम, मैं हम दोनों हम सब, माम आवाम अस्मान, मुझको हम दोनों को हम सबको, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मेरे द्वारा हम दोनों के द्वारा हम सब के द्वारा, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मेरे लिए हम दोनों के लिए हम सब के लिए, मत आवाभ्याम अस्मत, मुझसे हम दोनों से हम सब से, फ्रॉम, मम आवयो हो अस्माकम, मेरा हम दोनों का हम सब का, मई आवयो हो अस्मासु, मुझ में हम दोनों में हम सब में, या तो मुझ पर हम दोनों पर हम सब पर। तो इस प्रकार आज हमने अस्मद शब्द का विभक्ति के रूप देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका चैप्टर 3 शुरू करेंगे। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ लिए है विथ एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइजेस। फिर ये हमने ग्रामर का एक टॉपिक बीच में लिया, फिर हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो इस प्रकार जब तक स्कूल रीओपन ना हो तब तक हम एक दो चैप्टर, बीच में एक ग्रामर का टॉपिक, फिर एक दो चैप्टर, इस प्रकार से हम अपना पठन पाठन जारी रखेंगे। और मैं समय समय पर आपको असाइनमेंट भी दे रहा हूँ, वो भी आप आई होप पूरे कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।